हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। सो आज का जो वीडियो है वो मोर ऑफ व्लॉग है। एक्चुअली क्या है ना कि यार मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, आपको पता ही है यार, मैं यहाँ पे अपना क्लियरेंस कराता हूँ पोर्ट पे, तो आज भी मैं अपने टीकेडी वाले पोर्ट पे आया हूँ। वैसे तो मैं एयरपोर्ट का देखता हूँ, तो आज हमारे टीकेडी में 4 कंटेनर थे मेरे पास, 3 हमारे डेट्स के और एक हमारा गिफ्ट आइटम वाला था, तो वो थोड़ा चोरी ज़्यादा होता तो इसलिए मैं भी आ गया एयरपोर्ट। आज मैंने किसी और को भेज दिया, छोटी सी कंसाइनमेंट थी एयरपोर्ट में आज। सो आज का जो वीडियो है ना, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि यार यू नो आप कैसे कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको डेट्स के भी दिखा दूंगा, डेट्स के कंटेनर कैसे दिखते हैं, और आपका हमारा ये जो गिफ्ट आइटम वाला है, बहुत बढ़िया गिफ्ट आइटम आता है हमारा चाइना से, ये पार्टी इंपोर्ट करती है, इसका मैं आपको यू नो नाम नहीं बता सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीज़न, बट मैं आपको यू नो दिखा दूंगा कि क्या आइटम है और कैसे पैकिंग वगैरह होती है, कितनी ड्यूटी फिगर कैसे होता है। और अगर आप चाहें तो आप भी कभी अपने मार्केट को रिसर्च करके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी इनको जो इंपोर्टर है, ये इनको भी एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने ही इनको इंपोर्टर बनाया था, 4-5 साल हो गए मेरे ख्याल, उसके बाद ग्रो करते गए। आज इनकी खुद की वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है और बहुत अच्छा सेल होता है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, अच्छी क्वालिटी के चाइना से। सो आपको पता लग जाएगा कि देखिए चाइना से जो आता है वो थर्ड क्वालिटी भी आता है और आपका यू नो बहुत बढ़िया क्वालिटी भी आता है। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला माल है, ड्यूटी देते हैं, प्रॉपर ड्यूटी देते हैं हम लोग एंटी डंपिंग के साथ, अच्छी वैल्यूएशन रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है और डेट्स का भी मैं बताऊंगा कि आप डेट्स को अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन लगती हैं और कितनी ड्यूटी फिगर वगैरह होती है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। तो जैसे ही मैंने सील कटिंग की परमिशन ले ली है, सील कटर को ढूंढने के लिए गए हैं पवन जी, सील कटर जैसे ही लेकर आते हैं मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक पार्ट आपको मैं दिखाऊं। आपने देख लिया है ये कंटेनर, अभी आइटम निकलेगा तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। किसी का लकड़ी का कंटेनर भी आया हुआ है, हमारी भी पार्टी थी पुरानी, ब्राज़ील से आता था उसका टी कोट, पुरानी थी यार अब नहीं है, माल निकल रहा है अपना भी, देख लो भाई कैसे माल निकलता है कंटेनर में से। ये हमारा 10% माल निकल गया, ये देखो पवन जी गड़े उधर, ये पूरी की देख रहे हो गली साइड है, मैं सामने से दिखाता हूँ, 20 फीट कंटेनर है हमारा और ये निकला है हमारा। देखो सामने दीवार दिख रही है आपको, कंटेनर का एंड दिख रहा है, वो देखना चाहिए 10% एग्जामिनेशन में, ये गली बनी है। थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, देखो ये दरवाज़ा बंद हो रखा है इसका और ये वंजी माल चक्कर में लगे हुए हैं,
ये है सारा, दरवाज़ा खुला हुआ है, ये है 10% एग्जामिनेशन। फिर अंदर से जो है ना कंटेनर देख लो भाई, ऐसा दिखता है, हालत ख़राब होती है 1 मिनट के अंदर यहाँ बैठे बैठे। कंटेनर कितना निकल रहा है, एंट्री कंटेनर की एंट्री, और ये माल अंदर तक खड़ी, देखो वो दीवार देख रही पीछे वाली, ये है हिसाब यहाँ के एग्जामिनेशन का। तो यार ये देखो, ये सारा ट्रेडिंग आइटम का माल है पीछे। चलो मैं आपको एक प्रो टिप, मैं एक टिप देता हूँ आप लोगों को, कभी भी आप ट्रेडिंग आइटम में कभी भी इंपोर्ट करते हैं ना, या इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो उसमें दिक्कत आती है ना, वो वैल्यूएशन की है। अब वैल्यूएशन देख लेना कि वैल्यूएशन आप ठीक ठाक से कर रहे हैं, आप किसी एचए से बात कर रहे हैं ना आपकी, भाई ये वैल्यू है, आप एक बार ही पता करवा लो कि इतने में हो जाएगा क्लियर, कोई इसमें लोडिंग वगैरह तो नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका कम वैल्यू होता है ना, तो उसमें दिक्कत ही दिक्कत है यार, इंस्पेक्टर की नज़र में आता है, स्टूडेंट की नज़र में आता है, लोडिंग वगैरह होती है, अप्रेजर लोडिंग करता है। तो दुनिया भर के झमेले हैं, तो सब ट्रेडिंग आइटम में आप जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे उसमें देखने वाली बात यही होती है कि आप उसको वैल्यूएशन ठीक से करें। और अगर वो MRP वाला आइटम है, जैसे कि MRP के स्टिकर लगे हुए आते पहले से, जैसे कि ये आइटम हो गया, जैसे कि आपको बस लेके आना है और शेल्फ में उसको सजा के बेच देना, तो उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी में रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो लीगल मेट्रोलॉजी आप ले लें जब भी आप ट्रेडिंग आइटम में डील कर रहे हैं, कोई भी आपका ऐसा आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि आपको सीधा बस इंपोर्ट करना है और बेच देना है, मतलब प्री पैक्ड होता है, कोई पैकिंग वगैरह नहीं। हाँ, बल्क में अगर आप ले रहे हैं, तो बल्क में कभी कभी लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर में नहीं आता है एज पर रूल, बट बल्क में भी आप कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को कस्टम को पता है कि लोग बल्क में लेके आते हैं और यहाँ पैकिंग करके बस भेज देते, तो उसमें भी उन लोगों ने लीगल मेट्रोलॉजी लगा दिया है। आपको पता है कस्टम का है, मूड टू मूड के ऊपर होता है, कौन सा इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी मांग रहा है, मैं बल्क की बात कर रहा हूँ, लीगल मेट्रोलॉजी मांग रहा है, कौन सा इंस्पेक्टर नहीं मांग रहा। सो केस टू केस वेरी करता है, बट अगर आपका माल प्री पैक्ड आ रहा है और ऑलरेडी इंडिविजुअल पैकिंग में आ रहा है, तो उसमें लीगल मेट्रोलॉजी मस्ट है, वैल्यूएशन मस्ट है। और अगर आपके सेरेमिक आइटम वगैरह आ रहे हैं, तो एंटी डंपिंग वगैरह आप देख के चलिए पहले से, अगर आपकी बहुत तगड़ी वाली सेटिंग नहीं है उसमें कस्टम में, तो बाकी आपका CHA के ऊपर है सारा कि वो कैसा निकालता है। हमारा ट्रेडिंग में रहता है काफ़ी कुछ, एयरपोर्ट में भी और अपने TKD में भी। ये जो कंटेनर है, ये पहले एयरपोर्ट में आता था, इसने अभी TKD मूव कराया पूरा पूरा कंटेनर, कॉस्टिंग इसकी बच रही होगी। सो ट्रेडिंग में तो यही है कि आपको वैल्यूएशन का देखना है और अपना सारे कंप्लाइंसेस वगैरह देखने हैं और ड्यूटी प्रॉपर देनी है, तो आपका ट्रेडिंग आइटम में कोई दिक्कत नहीं, निकल जाता है, इजीली निकल जाता है बिना किसी हासिल के।